hatırlıyor musunuz? Tenmiyorsunuz. Şahlar amca. Hadi durma, sarıl. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि कायरा में लोग आपे से बाहर हो चुके होते हैं और ये देखकर कारा तेगन डंडा उठाकर यारुकी को देता है और कहता है ये लो, ये नज़्म व ज़ब्त के लिए है। और इसी के साथ वो लोग लोगों को मारने पीटने लगते हैं। ये सब देख कर लोग कहते हैं हमें अफसोस है, अफसोस है कि जंगी हमारी मदद के लिए आए थे और हम पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन वो लोग लोगों की एक नहीं सुनते और उन्हें मार रहे होते हैं और कुछ ही देर के बाद तमाम लोग मुंतशिर हो जाते हैं। ये सब देखकर कारा तेगन कहता है देखो यहाँ पर अभी कितना रश था और अब मारपीट के बाद हर कोई भाग चुका है, कोई नहीं बचा। दूसरी तरफ शमसा सबीला से कहती है मैं बचपन में कुछ की गलियों में एक शहजादी के साथ खेलती थी। तो सबीला कहती है हाँ लेकिन तुम असल शहजादी हो, क्या अभी भी कुछ के बच्चे गलियों में खेलते हैं? तो शमसा कहती है हाँ वो तो वहीं है मगर रायल किधर है, बहुत वक्त गुजर गया, जिंदगी हमेशा मीठी चीजें पेश नहीं करती जैसे कि खजूर का शरबत। तो सबीला कहती है हाँ बिल्कुल, कुछ की बहादुर लड़की शमसा तुम बहुत चमक रही हो। तो शमसा कहती है मैं यहाँ पर राहिब एलओसी को देखने के लिए आई हूँ, मुझे उम्मीद है वो जिंदा है, क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है और कैसे है? तो सबीला कहती है तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो, अपनी माँ के लिए? तो शमसा कहती है हाँ बिल्कुल, वो कहाँ है वो सिर्फ वही बता सकती है। दूसरी तरफ शहवार बैठा बातें कर रहा था खुद से, इतने में वहाँ पर जौहर आता है और कहता है कमांडर महमूद को फांसी हो चुकी है। ये सुनकर शहवार खुशी से खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ महमूद की लाश को सिपाही उठाकर ले जा रहे थे। ये देखकर सलाहुद्दीन गुस्से में कारा तेगन और यारुकी के पास आकर कहते हैं ये तुम लोग कैसे कर सकते हो, बगैर मुकदमा चलाए ये तुम कैसे कर सकते हो? तो यारुकी कहता है अगर हम ऐसा ना करते तो सबकी जाने खतरे में होती। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं दरअसल अब सबकी जाने खतरे में है, तुम आने वाले वक्त को नहीं देख रहे यारुकी, तुम अंधे हो चुके हो। तो यारुकी कहता है मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि वो लोग कोई और दूसरी जबान नहीं समझते, हमने फांसी का तख्ता सजाया और उन्होंने हमारी ताकत देखी। तो सलाहुद्दीन कहते हैं तुम जब इंसाफ को यकीनी बना सकते थे तो तुमने ताकत दिखाने को तरजीह दी, तुम इस तरह से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की नुमाइंदगी कर रहे हो। तो यारुकी कहता है सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करने वाले तुम हो, बाकरास काफी नहीं था, क्या तुमने यहाँ पर भी अपनी मनमानी शुरू कर दी है? ये देखकर कारा तेगन कहता है सरदारान ये सब यहाँ पर करने का वक्त नहीं है, आप लोग यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, चलो चलकर कहीं और ये बहस करते हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं तुम दोनों के लिए अफसोस का मकाम है, तुमने अमानत में खयानत की। तो यारुकी कहता है यहाँ पर किसी ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, हमने सिर्फ फितने को बढ़ने से रोका है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं अब मजीद तुम इस फितने को आगे बढ़ाओगे और तब तुम्हें इसका असर नजर आएगा। ये कहकर सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं। कारा तेगन उसके जाने के बाद कहता है मेरी ताकत की तरह अमीर सलाहुद्दीन की जबान भी बेकाबू है, वो अपना जहर उगलकर चला गया। वहीं माइल्स की बीवी ये सब खड़ा देख रही होती है और फिर जमशेद से कहती है अब क्या ये हम इसकी माइल्स की लानत कहें इन पर? तो जमशेद कहता है एक खेल खेला जा रहा है मोहतरमा, मेरे ख्याल में अमीर सलाहुद्दीन ठीक कर रहा है। तो खातून कहती है बिल्कुल जमशेद, ये हमारे लिए उसके करीब जाने का वाज़े मौका है, तुम अपने कान खुले रखो और मालूम करो उसके पीछे कौन है। सलाहुद्दीन ठीक कहता है, हमें उसके मकसद के लिए उसका साथ देना चाहिए, मुझे कोई ऐसा तोहफा दो जो मैं सलाहुद्दीन को पेश कर सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं काजी फाजिल कमरे में बैठा दुआ मांग रहा होता है और कहता है मेरे रब इसका अंजाम बेहतर फरमाना, मैंने अपना खून कुर्बान किया लेकिन बदअमनी को नहीं रोक सका। इसी लम्हे शहवार वहां आता है और कहता है काजी फाजिल मुझे लगता है मेरी माँ भी मुझसे इतना प्यार नहीं करती होगी जितना तुमने किया, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तो काजी फाजिल कहता है बाहर से आवाजें आ रही हैं, तूफान बर्पा हो चुका है, उस शख्स का गुनाह साबित नहीं हुआ था और उसे फांसी दे दी, अगर वो बेगुनाह हुआ तो उसकी बददुआ सबको जलाकर राख कर देगी, इससे पहले हालात मजीद खराब हों हमें जंगियों को उनका हक अदा करना होगा। ये सुनकर शहवार कहता है हम जरूर करेंगे, सबको वो मिलेगा जिसका वो हकदार है, आप फिक्र मत करें। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन के पास उनके सिपाही आते हैं और खलील कहता है मेरे अमीर हमने हर तरफ देखा मगर वो हवा की तरह गायब हो गया है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं तीर मारने वाला नहीं मिल रहा, बाबा को मारने वाला नहीं मिल रहा, वो शख्स अपना काम करता है और गायब हो जाता है, शहर में हालात मजीद खराब हो रहे हैं, कमांडर महमूद की नामुनसिफाना फांसी ने सबको आग में झोंक दिया है, ये मजीद भड़केगी। शहवार के दोनों हरीफ
शरीफ अमीर यारों की और मेरे चाचा इस आग को और भड़का रहे हैं, जैसा कि वो हमें इस आग में झोंकना ही चाहते हैं। तो बोजक कहता है, मेरे अमीर, मुझे डर है कि वो लोग हमसे मजीद नफरत पैदा करेंगे और वो हमारे लिए मजीद नफरत करेंगे। तो सलाउद्दीन कहते हैं कि शहवार यही तो चाहता है, लेकिन हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। आप लोग शहर के मरकज में जाएं और लोगों में घुल मिल जाएं। शहवार के जंगियों के बारे में इस गलत तासुरकार को हमें ख़त्म करना होगा। लोग आपसे नाराज भी होंगे, उनका गुस्सा भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपने कोई गलतियाँ नहीं करनी। हमें शहवार को अपने खिलाफ कुछ भी कहने का मौका नहीं देना है। ये सुनकर सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम फूल लेकर आगे बढ़ रहा था, तो लॉर्ड गाय पूछता है ये फूल किसके लिए है। तो विलियम कहता है, मैं अपने एक बुजुर्ग से मिलने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुम एक अजीब आदमी हो, सारा दिन काम करते हो, सारी रात कुतुबखाने में गुजारते हो, पढ़ना लिखना तो छोड़ते ही नहीं, और अब इन फूलों के साथ बुजुर्ग को मिलने जा रहे हो। तो विलियम कहता है, जैसा कि एक दिन होता है उसमें कोई अजीब बात नहीं है, जीने के लिए हमें हर दिन जीना चाहिए। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुम बहुत उदास लग रहे हो, जिंदगी की तमाम खुशियों को एक तरफ रखकर एक घुटन से रह रहे हो, तुम इस अजियत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। तो विलियम कहता है, कोई मुख्तलिफ तरीकों से जिंदगी का तजुर्बा करता है। तो लॉर्ड गाय कहता है, जिंदगी के तमाम हिस्सों को जब तक महसूस ना कर लो तुम ये यकीन से कैसे कह सकते हो। तो विलियम कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि खुशी और ताकत के मतलाशी सब चीजों से वाकिफ होते हैं? ये देखने के लिए हमें नीचे देखने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको ऊपर देखना चाहिए। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुमने अपनी आंखें बहुत ऊंची कर ली हैं विलियम, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हें लगता है कि तुम कुछ के लिए तख्त के मौजूद तरीन उम्मीदवार हो। तो विलियम कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुम जैसे का हलीफ बनकर मुझे महसूस होता है। तो विलियम कहता है, हमारे पास कुछ मकासद एक जैसे हैं, सिर्फ मैं कुछ का इत्तहादी हूँ और इसके अलावा किसी का नहीं। दूसरी जानिब बाजार में उर्फा और खलील आगे बढ़ रहे थे और लोग उन्हें नफरत भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। इतने में एक शख्स खलील से टकराता है और खलील उसे कहता है, होशियार रहो, आदमी देखकर चलो। तो आदमी कहता है, रास्ते के बीच तो आप चल रहे हैं। इस पर उर्फा कहता है, माफ़ कीजिएगा, इसने देखा नहीं, आप अपने रास्ते पर जाएं। फिर वो शख्स चला जाता है और खलील उर्फा से कहता है, हमें पुरसकून रहना चाहिए, हमारे अमीर ने कहा था हमें लड़ाई नहीं करनी है। तो खलील कहता है, इनके रवैयों ने मेरे दिल को जला दिया है, चलो चलकर मशरूब पीते हैं। दूसरी तरफ बुजुर्ग और इदरीस इब्राहिम के हमरा एक सराय में पहुंचता है और वहां के लोगों से कहता है, अपने खाने का लुत्फ उठाओ, और लोग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते, मगर सराय का मालिक उन्हें कहता है कि आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूं, और वो तीनों वहां पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान इदरीस बुजुर्ग से कहता है कि मैदान जंग में भी दुश्मन मुझसे इस तरह से नहीं देखता जिस तरह से यहाँ लोग देख रहे हैं, हम इन्हें कैसे समझाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं खलील भी एक दुकानदार को कहता है, मशरूब लेकर आओ। दुकानदार गुस्से में उनसे मशरूब तो पेश कर देता है। फिर उर्फा पूछता है कि कितने का है। इस पर दुकान का मालिक कहता है, आपके लिए 10 सिक्के। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं। फिर खलील कहता है, कीमत तब्दील नहीं करनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी ही कीमत हो। तो दुकानदार कहता है, जिस मार के लिए आपने हमें ये सब किया है उसके लिए तो 10 सिक्के भी कम है, इसमें सारा हिसाब भी शामिल है। तो उर्फा कहता है, माजरत के साथ, हम वो नहीं थे जो आप समझ रहे हैं। मगर दुकानदार कहता है, इस वक्त किसी को अफसोस नहीं हुआ जब कमांडर महमूद को सजा दी गई और वो बेगुनाह ही मारा गया, साथ ही हमारे बेगुनाह लोगों को भी मारा। तो उर्फा कहता है, हम इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते। फिर खलील भी कहता है, ये तुम्हारे वजीर का ही कारनामा है। तो दुकानदार कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, सोने के साथ साथ तुम्हारे लिए इस दुकान से कोई मशरूब नहीं, अब मेरी दुकान से निकल जाओ। इस पर उर्फा कहता है, अच्छे तरीके से पेश आओ ताजर। मगर दुकानदार खलील से बदतमीजी करता है और खलील उसे धक्का देता है, फिर मशरूब की कीमत रखकर वहां से चला जाता है। ये सूरत हाल देखकर दुकानदार दुकान से बाहर आता है और कहता है, मेरी मदद करो भाइयों, मेरी मदद करो। इस पर तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। फिर वो मजीद कहता है, जंगियों ने हम पर पहले ही काफ़ी तशद्दुद किया और अब ये मेरी दुकान में आकर मेरे साथ धमकियां अमेज़ लहजे में बात कर रहे हैं और मुझे पैसे अदा करने को कह रहे हैं। ये सुनकर खलील और उर्फा शदीद गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ एक और आदमी सलाउद्दीन के सिपाहियों को देखकर सराय में कहता है, ए लोगों, ये जब खाना खा लें तो इन्हें कमांडर महमूद का हलवा भी पेश करना और इन्हें खाने देना, क्योंकि ये अपने शहर और अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। फिर वो मजीद बातें करने लगता है और आग भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग इस आग को काबू पाने की कोशिश करते हुए कहता है, जानते हैं आपको तकलीफ हो रही है, मगर कमांडर की फांसी में हमारा कोई हाथ नहीं है, फैसला आपके वजीर ने ही किया था। तो वो आदमी कहता है कि फजूल बातें मत करो, तुम्हारे आने के बाद बस किस्मत ही ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तुमने शहर के
अक्सरियत को ही गायब कर दिया, तुमने बेगुनाहों को मारा। इस पर बुजुर्ग कहता है, यह सब वजीर का ही किया धरा है, उसी के हुक्म से हुआ, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ये देखकर वो आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि कमांडर महमूद मेरा दोस्त था, तुमने ये मशरूब नहीं बल्कि उसका खून पिया है। अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हें यहाँ देखना ही नहीं चाहते। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।